अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रहमाना कपूर। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू रिमूव नेगेटिव सेलर फीडबैक फ्रॉम सेलिंग अकाउंट एंड हाउ इट इज नेसेसरी टू वर्क ऑन इट फास्टली। जी सो ये आपके सामने मैंने सेलर सेंटर जो है लॉग इन किया हुआ है और आप आ जाएंगे, ठीक है, ये परफॉर्मेंस की टैब में और देन फीडबैक। जैसे ही आप परफॉर्मेंस की टैब में आएंगे और फीडबैक में आएंगे सो आप आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये फीडबैक मैनेजर का है। जो नेगेटिव फीडबैक आपको आया है, ये जैसे कि आप ये देख सकते हैं 2 दिन पहले मुझे नेगेटिव फीडबैक आया। मैं क्या करूँगी, सिंपली यहाँ से आके, ये मेरे पास 3 ऑप्शन है कि मैं कस्टमर से कांटेक्ट करना चाह रही हूँ इसके बारे में, ठीक है, कि नेगेटिव फीडबैक जो है ये आपने किस तरह इनके दिया है, या इसको रिमूव कर दें, या मैं आपको इसका अल्टरनेटिव दे देती हूँ, ठीक है, या रिफंड करना है आप उसी तरह भी यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं कस्टमर के साथ, या पोस्ट पब्लिक रिप्लाई। अब ये पब्लिक रिप्लाई जो है जाहिर सी बात है पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। यानी कि पॉजिटिव केस में आप थैंक यू की एक टेम्पलेट बना लें अच्छी सी नाइस सी, जस्ट 1 लाइन और फ्यू वर्ड्स पे, ठीक है, जो के हो इंक्लूड हो उसमें, तो पॉजिटिव हो सकता है वो। नेगेटिव अगर आप उसको काउंटर करना चाह रहे हैं कि नहीं, या आप यानी कि फेक यानी कि रिफंड ले रहे हैं, नेगेटिव दे रहे हैं, सो ये आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन नेगेटिव के केस में हम यहाँ पे रिकमेंड नहीं करते कि आप, ठीक है, ओपनली पब्लिक रिप्लाई में कोई नेगेटिव बात करें, वो भी अपने सेलिंग अकाउंट में जो कि सबके सामने ये ओपन होता है। अब यहाँ पे मेरे केस में, ठीक है, मेरे केस में इवन मुझे पता है ये मेरे से मिस्टेक हुई है, लेकिन स्टिल मैं इसको रिमूव कर सकती हूँ। जैसे ही आपको नेगेटिव फीडबैक आता है तो आप कोशिश करें क्विकली विद इन 1 डे उसको रिमूव कर दें, ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर होती जाएगी सो वो अमेज़ोन जो है वो आपकी ये प्रिविलेज जो है वो नेगेटिव फीडबैक ख़त्म करने की, ठीक है, वो ख़त्म कर सकता है। ओके, सो यहाँ पे अमेज़ोन मेरे से 3 ऑप्शन मुझे पूछ रहा है कि आप जो हैं कि ये फीडबैक जो आप रिमूव करना चाह रही हैं, द फीडबैक इंक्लूड्स ऑब्सेंस लैंग्वेज, ठीक है, ये मतलब कि जो ऐसी लैंग्वेज है जो कि अमेजोन जो है अलाउ नहीं करता, ठीक है, आपने वो जरिए सी बात है हम यस ही कहेंगे। द फीडबैक इंक्लूड सेलर स्पेसिफिक पर्सनैलिटी एंड आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, बेशक ये नहीं करता लेकिन फिर भी ठीक है। ओके, सो द एंटायर फीडबैक कमेंट इज अ प्रोडक्ट रिव्यू, कि जो ये वाला जो है रिव्यू दिया गया है जो कि प्रोडक्ट की, ठीक है, कुछ भी क्वालिटी के बारे में है, सो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि रिव्यू जो होता है वो हमारा सेलर फीडबैक बैक का, ठीक है, वो उसका नहीं होता, वो होता है जिसकी लिस्टिंग होती है, वो ब्रांड हो या फिर मतलब कोई भी थर्ड पार्टी या पर्सनल प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट हो, ठीक है, वो वाली जो होती है वो वहां पे जाता है। सो हम इन तीन और ये तीन जो है, बल्कि नहीं, ये अमेजोन ने न्यू डाल दिया, स्ट्राइक थ्रू फीडबैक इफ इट्स रिगार्डिंग फुलफिलमेंट और कस्टमर सर्विस फॉर एन ऑर्डर। ओके, अमेजोन कह रहा है ये फुलफिलमेंट कस्टमर सर्विस के बारे में है, लेट डिलीवरी हुई है, सो हम इसको भी रिमूव कर देंगे, ये अमेजोन की तरफ से है, ठीक है, ये मिस्टेक जो हुई है इस केस में, तो इस केस में तो यानी कि स्पेशल अमेजोन जो है ना खुद ब खुद ही अगर नेगेटिव फीडबैक आता है कस्टमर डिले डिलीवरी का, ठीक है, सो अमेजोन फौरन खुद ही डिलीट कर देता है, हमें कहने की भी जरूरत नहीं होती। ओके, सो ये 3 केस जो हैं ये हमारे से रिलेटेड हैं और ठीक है, ये टोटल 4 केस हैं। सो मैं इस केस में यस कहूँगी कि यस ये मेरा क्राइटेरिया जो है इन चारों पे फॉल करता है और मैं इसको रिमूव करना चाहती हूँ। जैसे ही आप इसको यस करेंगे और देखिएगा अभी 2 मिनट के अंदर अंदर, बल्कि जस्ट स्क्रीन रिफ्रेश करने पर ही आपका जो है, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा। ओके, तब तक के लिए हम इधर से देख लेते हैं। जी, सो ये सेलर सेंटर आपके सामने ओपन है। सेकंड की है कि अगर आप बायर से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, या उसको रिफंड करना चाह रहे हैं ताकि वो, अगर वो नहीं एग्री हो रहा है और डिलीट भी नहीं हो रहा और एग्री भी नहीं हो रहा, ठीक है, या कोई भी रीजन है, सो आपने बायर से कॉन्टेक्ट कैसे करना है कस्टमर से, सिंपली आप आ जाएंगे ऑर्डर में और मैनेज ऑर्डर में, और मैनेज ऑर्डर में आपके सारे यहाँ पे टेबल आपके जितने भी ऑर्डर्स आए होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे शो हो रहेंगे। आपको जिस ऑर्डर में मसला है आपने उस ऑर्डर आईडी के ऊपर क्लिक करके, ठीक है, इसको इस पेज पे आ जाना। जैसे ही आप इस पेज के ऊपर आएंगे सो ये बायर से कॉन्टेक्ट करने का अमेजोन ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, सो देन आप आ जाएंगे ये वाले कॉन्टेक्ट बायर। अभी कॉन्टेक्ट बायर करने के 3 ऑप्शन हैं अमेजोन ने इनेबल किए हुए,
ठीक है, आप उसको रिफंड करना चाह रहे हैं, कर्टे से रिफंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से कर्टे से रिफंड कर सकते हैं। नोटिफाई ऑफ अ प्रॉब्लम विद शिपिंग योर ऑर्डर, ठीक है, यहाँ से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और अदर में भी जाके कस्टमर से, ठीक है, जो अमेजोन टेम्पलेट देगा वहाँ पे आप अपना क्वेरीज जो भी आपने लिखनी है वो लिखें और उससे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो कोशिश करें कि अगर आप उसको हाफ रिफंड के ऊपर बना लें, ठीक है, सो इन केस ऑफ अगर रिव्यू की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, अगर फीडबैक जो है, ठीक है, फीडबैक तो सिंपली रिमूव हो जाता है, जिस तरह आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, फीडबैक रिमूव हो गया और अमेजोन जो है इसको कंसिडर नहीं करेगा। अब ये वाला सेलर फीडबैक तो होलसेल केस में, ऑनलाइन आर्बिट्राज केस में तो क्विकली रिमूव हो जाएगा, लेकिन अगर नेगेटिव रिव्यू आ जाए सो देन जिनके क्या करना है, ठीक है। सो उस केस में आपने किसी तरीके से बायर से डिप्लोमेटिकली कॉन्टेक्ट करना है, ठीक है, और उसको जिस तरह मैंने बताया रिफंड भी कर सकते हैं आप उसको, ठीक है, उसके साथ अपना इश्यूज जो है वो डिस्कस कर सकते हैं कि रीजन क्या है, रीजन हमें बता दें, हम आपके इश्यू को सॉर्ट आउट कर देते हैं, या हम आपको रिप्लेसमेंट दे देते हैं प्रोडक्ट की, ठीक है, या फिर आप उसको कुछ ना कुछ, अगर मतलब ठीक है कोई पीस कम मिला है, यानी कि अगर पैक ऑफ 3 है या पैक ऑफ 4 है, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे पैक ऑफ 2 मिला है, मुझे रिफंड दो, या मुझे एक और एक्स्ट्रा पीस भेजो, ठीक है। समटाइम्स ये इशू आता है, बायर कहते हैं कि मुझे इतने पीस मिले हैं लेकिन इतने पीस यानी कि मिसिंग है, मिसिंग पार्ट्स का है, सो अमेजोन से बात करेगा, अमेजोन उसको फौरन फुल रिफंड कर देना है विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। लेकिन जाहिर सी बात है जब हमारे पास आएगा सो हम कहेंगे कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है एक और पीस भेजने का, आप हमें अगर मतलब कि हम आपको रिफंड कर देते हैं सिर्फ उतने एक पार्ट में जितने भी यानी कि मिसिंग है ना, यानी कि वो 1/3 भी रिफंड हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, या हाफ भी हो सकता है, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह उसको कन्विंस करना है। सो देन आप यहाँ पे, लेकिन ये वाला जो है आपने अग्रेसिव ये वाली अप्रोच नहीं करनी, ठीक है, लेकिन स्टिल ये हमारे पास ऑप्शन होता है और हम इसको यूज कर सकते हैं बायर्स को कन्विंस करने के लिए। मोस्टली जो है वो रिफंड के ऊपर किसी ना किसी तरीके से रिप्लेसमेंट के ऊपर आ ही जाते हैं, ठीक है। सो आप अपने उससे रीजन पूछें और क्विकली इसके ऊपर वर्क करें, अगर नेगेटिव सेलर फीडबैक आ जाता है या सेलर या रिव्यू आ जाता है। इन केस ऑफ रेटिंग, रेटिंग का हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता, अगर हमारे पास होलसेल का अकाउंट है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो तो हमें मतलब कि सेलर फीडबैक मिलता है, हमें क्विकली पता चल जाता है, यहाँ से अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके जाऊँगी तो मैं ऑर्डर आईडी के ऊपर पहुँच जाऊँगी कि किस नहीं, ठीक है, ये सेलर फीडबैक दिया है या रेटिंग दी है। लेकिन अगर प्राइवेट लेवल की अगर मैं बात करूँ वहाँ पे जो रेटिंग सिर्फ और सिर्फ रेटिंग आती है, रिव्यूज़ का ठीक है पता चल जाता है, लेकिन जो रेटिंग आती है वो बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलता है। सो समटाइम्स स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं, हमें रेटिंग नेगेटिव रेटिंग आ रही है, अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें किस ऑर्डर से हमें आई है, किस बाय ने हमें दी है, ताकि हम डायरेक्ट उससे कांटेक्ट कर सकें। आप जितना मर्जी एक्सप्लोर कर लें, अभी तक कोई ऐसी यानी कि व्यू यानी कि एक्सटेंशन नहीं आई, या कोई टूल्स नहीं आया, या अमेजोन के ऊपर कोई ऐसा यानी कि टैब नहीं है जो कि हमें बता दे कि इस बाय ने नेगेटिव रेटिंग दी है, ठीक है। सो आज का टॉपिक जो था वो यही डिस्कस करना था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्विकली उसके ऊपर करें, बेशक ये नेगेटिव जो कि मैंने रिमूव किया, ठीक है, बेशक मैं समझती हूँ ये वैलिड है, लेकिन हम इसको बेशक वैलिड भी है, हम इसको ऐसे तो नहीं ना छोड़ सकते, अगर ऐसे छोड़ेंगे तो मेरी ये नेगेटिव रेटिंग जो है वो मजीद ठीक है डाउन हो सकती है, डाउन होगी तो जाहिर सी बात है 80% से लेस देन हो जाए तो बहुत हार्ड हो जाता है कम्पीट करना अदर सेलर्स के साथ जिनकी रेटिंग अच्छी हो, क्योंकि उन्होंने रिप्राइस लगाए होते हैं और ठीक है रिप्राइस में उन्होंने मतलब कि लिमिट सेट की हुई होती है कि हम लोगों ने किनसे कम्पीट करना है या कैसे। सो इससे बेटर यही है, बहुत ईजी है सेलर फीडबैक या रिव्यू रिमूव करना, सो आप उनसे ठीक है इस तरीके से पोलाइटली डिप्लोमेटिकली अगर बाहर से कॉन्टेक्ट करके ये इसको रिमूव कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।